श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। सूत उवाच अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोति निर्धनः द्विजो नाम्ना सदानन्दो दैन्यभावमुपागतः उदरपूर्तये भिक्षां कुर्वन् हि व्यचरत् सदा। सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ जनो, अब मैं आपको सत्य व्रत धारण करने वालों की कथा सुनाता हूँ। किसी समय काशीपुरी में सदानंद नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्याकुल होकर वह उदर पूर्ति के लिए भीख मांगता हुआ इधर उधर घुमा करता था। भगवान सर्वदा लोके जिज्ञासूनां कृते खुल प्रेरणया विचारस्य रूपे दिशे च पद्धतिम् कृपालुर्मनसा भूत्वा प्रादुर्भूतो गतस्तुतम् साहाय्यं तस्य कर्तुं च जातं मनसि श्रीहरेः। वृद्ध ब्राह्मण उवाच किमर्थं भ्रमते विप्र महीं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विज सत्तमः। लोक रक्षक भगवान जिज्ञासुओं को सही सद्विचार तथा सत्प्रेरणा द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। वे सदानंद की सहायता के लिए करुणा रूप होकर एक वृद्ध महाभाग के रूप में उदय हुए और उसके पास जाकर कहने लगे, हे विप्र, तुम इस प्रकार दुखित अवस्था में इधर उधर क्यों भटकते फिरते हो? मैं तुम्हारा सब वृत्तांत जानना चाहता हूँ। सदानंद उवाच दरिद्रोऽस्मि द्विजो ह्यर्चा कुर्वन्नपेक्षुत्पीडया विचरामि समादातुं भिक्षां जठरपूर्तये उपायं वद मे दूरी कर्तु जानासि चेत् प्रभो दारिद्र्यमोचनेयन भवेद् दुर्भाग्यजीविनः। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सुदूरं हि गतस्त्वं तु विप्रोचित सत्कर्मणः कष्टं प्रोप्नोषि तेनैव निदानं ह्यसत्सेवनम्। सदानंद ने कहा, हे महाभाग, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भजन पूजन करता हूँ तथा भूख मिटाने के लिए भीख मांगता हूँ। इस दीन और अभावग्रस्त जीवन से मैं बहुत दुखी हूँ। इसके निवारण का कुछ उपाय आप जानते हो तो कृपया करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित सन्मार्ग से भटक गए हो। असत मार्ग पर चलने के कारण ही तुम यह कष्ट पा रहे हो। सत्य धर्मस्त्वया विप्र पालनीयो निरंतरम् सत्यव्रताचरणं तु हि सौभाग्यं दास्यां तमः आकर्षणं हि भिक्षायास्त्याज्यं चान्नमयं त्वया सत्यमार्गवलम्बेन सेवनीया दया हरेः यज्ञार्थमुपकारार्थं विपश्च निवारणे याचनापि शुभाध्येयान् स्वार्थे तां प्रयोजयेत्। तुम्हें अपना सत्य धर्म समझना होगा तथा सत्य व्रत का पालन करने से तुम इस भ्रांतिपूर्ण जीवन से मुक्ति पाकर ब्राह्मणोचित गौरव को पा सकोगे। भिक्षा आदि का असत आकर्षण छोड़ दो, सत्य मार्ग का अवलंबन तुम्हें भगवान की कृपा का पात्र बना देगा। याचना तो केवल यज्ञार्थ जनहित के लिए अथवा विपत्ति निवारण के लिए ही करनी चाहिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए मांगना अनुचित है। देश्योदर पूर्तिं च भिक्षा ही वृजनं भवेत् दैन्यमुत्पादयत्येतन्नाशकं ब्रह्म तेजसः समाजाल्लभते विप्रो यदनेकगुणं पुनः सेवा साधन रूपेण तं ददाति सुनिश्चयम् त्यक्त्वा दैन्यं भयं चापे दुरालस्यमकर्मण्यताम्।
कुरुष्व जाग्रतं स्वीयं ब्रह्म तेस्तु विप्रत्वम्। पेट भरने का माध्यम भिक्षा को बनाना तो पाप है, इससे ब्रह्म तेज का नाश होता है और दीनता का भाव बढ़ता है। ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है उससे अनेक गुने अनुदान ज्ञानदान तथा सेवा साधना के रूप में समाज को देता रहता है। हे विप्र, तुम दीनता भय आलस्य और अकर्मण्यता छोड़कर अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करो। दुर्मतिर्जायते नाशात् विप्रस्य हि ब्रह्म तेजसः भूसुरश्च भवत्येव दुर्मत्येवासुरस्तथा स्वकर्तव्यच्युतो विप्रो दुःखमाप्नोति च स्वयं सत्समाजो हि पतितः पतन्ति यत्र ब्राह्मणः मुक्तिं लभस्व दुर्भाग्यात् संत्यज्य विप्रदीनतां ब्रह्म कर्मसु संलग्नो भवानन्दयुतश्च त्वम्। ब्रह्म तेज नष्ट हो जाने से ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है और भूसुर कहा जाने वाला ब्राह्मण दुर्बुद्धि के कारण असुरों जैसे आचरण करने लगता है। अपने कर्तव्य से गिरकर ब्राह्मण स्वयं तो दुख पाता ही है, साथ ही जिस समाज में ब्राह्मण वर्ग पतित हो जाता है उस समाज का भी पतन हो जाता है। इसलिए दीनता को छोड़कर इस दुर्भाग्य से मुक्ति पाओ, ब्राह्मणोचित कार्यों में लगकर आनंद पूर्वक रहो। तवोत्थानाद्धि सर्वेषां श्रेयो निष्पद्यते खलु अतस्त्वं शीघ्रमुत्थाय कल्याणं कुरु संस्कृतेः विद्याध्येया च स्वाध्याये भवधर्म प्रचारय गुणकर्म स्वभावानां दृष्ट्यो दर्शो भवेत् तथा गत्वा प्रतिगृह सर्व जनचेतसि धार्मिकीं जागृतिं कुरु सर्वत्र कर्तव्यं च तवारितत। ब्राह्मणों द्वारा सत्य धर्माचरण से संसार का कल्याण होता है, यह समझकर तुम शीघ्र संसार के हितकारी कार्यों में लग जाओ, विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो और धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो। भगवतो वचः श्रुत्वा वृद्ध ब्राह्मण रूपिणः कृतः सुधारो दीनना याचारं परिवर्तनं च प्रतिष्ठा वर्धते तेन लोकः श्रद्धां करोति च सर्वे भावा विनश्यन्ति तेजस्वी त्वच गच्छते सविप्रो हि ततः सत्य नारायण व्रतस्य च ख्यापयितुं महत्त्वं तु धर्मानुष्ठान रूपिणम्। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान का आदेश मानकर ब्राह्मण सदानंद ने दीनता छोड़कर अपने आचरण को पूरी तरह सुधार लिया। सत्य व्रत के पालन से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा समाज के श्रद्धा युक्त सहयोग से उसके सारे अभाव मिट गए और वह तेजस्वी जीवन जीने लगा। तब वह सत्य धर्म की महत्ता दर्शन के लिए धर्म का आयोजन भी करने लगा। आयोजन ममायां वा पूर्णिमायारवौ तथा दिने च नियमे नैव विदधाति स्म शोभने आयोजने तु संप्राप्ते ही दृशे कुत्रचित् कृता स्वेच्छा सा तु व्रतं चेमं सत्यनारायण प्रभोः प्राप्तः काष्ठस्य विक्रेता महत्तां दृष्टवान् स्वयं अभूत्सो सादृतस्तं च प्रार्थयद्धिनयेन सह। सदानंद नियम पूर्वक रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या अथवा अन्य शुभ अवसरों पर सत्य व्रत के प्रचार के लिए आयोजन करता था। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर एक लकड़हारा वहां पहुंचा। समारोह देखकर उसके मन में भी अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई तथा सत्य व्रत का महत्व समझकर उसे प्रेरणा मिली तथा अभूतपूर्व उत्साह उसने अपने अंदर अनुभव किया।
लालायितो भवद्रक्षातुं सत्यस्य शुभदं व्रतं व्यक्तेच्छा पालने तस्य याचितं मार्गदर्शनम्। श्रमस्य महते संपद् वर्तते तव सन्निधौ भ्रातः व्रतेन सत्यस्य ते विनश्यत्यभावता। सम्मानो हि श्रमो नित्यं कार्यश्च लग्नचेतसा कुर्यात् सद्व्यवहारेण सत्येन धर्मसाधनम्। आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सत्यव्रत के नियम बताने तथा तत्संबंधी मार्गदर्शन का आग्रह किया। सदानंद ने कहा, हे भाई, तुम अपने आप को दीन मत समझो, तुम्हारे पास तो श्रम की महान पूंजी है। सत्यव्रत पालन करने से तुम्हारे अभाव अवश्य नष्ट होंगे। तुम श्रम के प्रति सम्मान के भाव जागृत करो, पूरे मनोयोग से काम करो, ईमानदारी तथा सद्व्यवहार का पालन करके तुम धर्म के साधक बनो। सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महत् तस्माद्देतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः सत्यनारायणं देवं चिन्तयन्नगरं ययौ धारितं च व्रतं तेन काष्ठविक्रयिणा ततः गुणकर्म स्वभावाश्च सत्यानुसृतिशोधिताः। सत्यनारायण का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसी के पालन से मुझे धन वैभव प्राप्त हुआ है। काष्ठ विक्रेता ब्राह्मण से यह सब विचार जानकर प्रसन्न होकर सत्यनारायण के व्रत का चिंतन करता हुआ अपने स्थान को चला गया। वह भी लकड़ी बेचने के साथ सत्यव्रत का पालन करने लगा और उसने अपने गुण कर्म स्वभाव में सत्यव्रती के अनुरूप संशोधन कर लिया। यत्रापि वर्तते सत्यं प्रतिभा तत्र वै ध्रुवा प्रतिष्ठा च वयावश्यं नाभावः कश्चिदेव च आसीत् पूर्वतु तस्यापि चात्यल्पः काष्ठविक्रयः समृद्धो सौव्रते नैव कृतः सत्यप्रभोः खलु प्रबुद्धमर्जितं स्वीयं शक्तिं चापिन्ययोजयेत् सव्यापक प्रचाराय सत्यनारायणस्य तु। जहाँ सत्य का पालन होता है सद्बुद्धि निश्चित रूप से बनी रहती है। सद्बुद्धि के कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रतिष्ठा पा लेने पर सारे अभाव स्वयं दूर हो जाते हैं। पहले उस लकड़हारे की बहुत कम बिक्री होती थी। सत्यव्रत का अवलंबन लेने से उसका कारोबार बढ़ा तथा वह धनी हो गया। अपने द्वारा अर्जित धन को वह सत्यनारायण के व्रत के व्यापक प्रचार में नियोजित करने लगा। जातं तेनासि सत्पुण्यं सौख्यं लोकहिचाधिकं व्रतस्यैव प्रभावोऽयं नाश्चर्यं किञ्चिदस्तिव विप्रः काष्ठस्य विक्रेता समृद्धो भव पूर्णतः सद्गते सुख शांतिं च संप्रदाय हि व्रतेन च सत्यव्रत पालनस्य श्रद्धया चेच्च स्वीकृतिः तथान्यपि स्वकल्याणं कर्तुं शक्ता भवन्ति वै। ऐसा करने से उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। सत्यव्रत वाले को इस प्रकार का लाभ मिलना स्वाभाविक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्यव्रत के प्रभाव से सुख शांति और सद्गति प्राप्त करके जीवन को सार्थक बना लिया। इस प्रकार अन्य सब मनुष्य भी सत्यव्रत को धारण करके निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।